बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है वो होम्योस्टेसिस का सेकेंड कंपोनेंट है जो हमने आज स्टार्ट करना है। पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा ऑस्मोर रेगुलेशन और सेकेंड है एक्सक्रीशन। उसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन जो है ये क्या है? एक्चुअली ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी जानदार अपनी बॉडी से जो उसका मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बना हुआ वेस्ट है, जो फालतू मादे हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सिंपली अपने अंदर की सफाई करता है, जो उसकी बॉडी के अंदर कूड़ा क्रिकेट बनता है, गंद बनता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट, के बॉडी से किस चीज को रिमूव करना? वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को, ऐसे मेटाबोलाइट्स, ये मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले ऐसे फालतू मादे जो कि बॉडी के लिए नुकसानदा हैं या बॉडी के लिए फालतू हैं, बॉडी को वो नहीं चाहिए, अजाफी हैं, तो वो बॉडी से बाहर निकालने हैं बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। क्योंकि बॉडी के अंदर ना ही ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, बैलेंस रखना है। तो वो जो ज़्यादा होंगी वो हमने बॉडी से बाहर निकालनी है। तो कहता है इसमें स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन एक बेसिक कंपोनेंट के तौर पर मौजूद होता है। तो इसको सिंपली अगर हम यहाँ पर बताते चलें, तो जब भी आप प्रोटीन वाली ग़ज़ाएँ लेते हैं तो उसके नतीजे में जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो प्रोटीन हमें डेफिनेटली अमाइनो एसिड देता है। अमाइनो एसिड ब्लड में जब जाके असिमिलेशन होती है उसकी, यानी कि वो अमाइनो एसिड बॉडी में लग रहे होते हैं, तो उस वक्त अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है। तो वो वेस्ट बॉडी के लिए जहरीला है, टॉक्सिक है, बॉडी उसको ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख सकती। अगर रखेगी तो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ लग सकती हैं, तो इनसे बचने के लिए बॉडी ने उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है। वो प्रोसेस एक्सक्रीशन है। अब हम देखते हैं जितने भी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है, जब उनकी ब्रेकडाउन होती है, तो उसके नतीजे में बनने वाला जो वेस्ट है वो कौन सा होता है जो कि बॉडी से हमने बाहर निकालना है? अब यहाँ पर पहले याद रखिएगा, जो डाइजेशन में बनता है वेस्ट, वो हम इन द फॉर्म ऑफ फीसिस अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं इजेशन। तो जो एक्सक्रीशन है वो क्या है कि बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जब उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की या उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स की असिमिलेशन होती है, उसको बॉडी यूज़ करती है, तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी ले लेती है उससे, बाकी उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं वो कहलाती हैं एक्सक्रीटा या वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ब्लड में वो फैटी एसिड या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, तो वो फैटी एसिड और ग्लूकोज भी जब टूटते हैं, उससे हमने एनर्जी लेनी होती है, तो उसके नतीजे में जो वेस्ट बनता है वो है वाटर, और दूसरा वेस्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये क्या है? दोनों ये वेस्ट हैं जो कि बॉडी के लिए फालतू हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर आपने सुना होगा, हम जो एक्सहेलेशन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? क्योंकि बॉडी के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो एक वेस्ट है, उसको बाहर निकाल दिया। इसी तरह से वाटर है, हम अगर ह्यूमन एज अ ह्यूमन बात करें तो वाटर को हम यूरिनेशन के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, वही हमने देखना है बेसिकली प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट में क्या मिला? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी बॉडी में होते हैं, ये भी टूटते हैं, इनकी भी असिमिलेशन होती है, इनसे भी हमने यूज़फुल प्रोडक्ट्स लेनी है और उसके अंदर फिर वेस्ट भी बनेगा। तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के ज़रिए से जो वेस्ट बनता है मेनली, उसमें भी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन प्लस में एक और चीज़ बनती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट।
हाइड्रोजनस वेस्ट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है, जो सबसे पहले अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों ही खतरनाक हैं। नाइट्रोजन इनके अंदर पाई जाती है, टॉक्सिक है, तो बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत हमें। तो वो कैसे ज़रूरत हम पूरी करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स वो जो वेस्ट जितना भी है उसको बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें कि घर के अंदर कोई वेस्ट हो, कोई फालतू चीज़ें हों, कूड़ा क्रिकेट हो, तो हम कूड़ा क्रिकेट को या तो मतलब साफ़ करके बाहर फेंक देते हैं, सही है, सफाई के ज़रिए से झाड़ू। अगर कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको नहीं चाहिए, फालतू आपके लिए, या फिर आपने घर में बनाया होता है स्टोर, तो उस स्टोर में रख देते हैं फालतू चीज़ें, कि स्टोर के ज़रिए से भी कोई काम नहीं ले रहे, तो स्टोर खाली है तो ये भी मतलब फालतू है, तो ये स्टोर में पड़ा रहेगा। तो फालतू चीज़ें या तो आप स्टोर में रख देते हैं या फिर साफ करके बाहर। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं कि वो बॉडी में किसी एक अलग जगह पर रख देता है वेस्ट को, या फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो पहले हम देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं प्लांट की, वो कौन सा मटेरियल है जो पौधों ने बॉडी से बाहर निकालना है। उसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके नतीजे में बनता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन एज अ वेस्ट बनता है, तो पौधों ने वेस्ट को बाहर निकालना है। डेफिनेटली पौधों के लिए वो उस वक्त फिर कारामद नहीं है, लेकिन किसी और के लिए हो सकता है। तो पौधे उसे स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकाल देते हैं, मेनली स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकाल देते हैं, और वही ऑक्सीजन फिर कौन लेता है? हम ह्यूमन बीइंग उसको रेस्पायर करते हैं इनहेलेशन के जरिए से, सांस लेने के अमल में। फिर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस प्रोसेस में बनती है? रेस्पायरेशन में। तो ये रेस्पायरेटरी जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी पौधे किसके जरिए से निकालते हैं? स्टोमेटा से। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, मेनली स्टोमेटा के जरिए से ये गैसेस की एक्सचेंज होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टोमेटा के जरिए से, इसके अलावा भी हैं, क्यूटिकल जो उससे भी गैसेस की एक्सचेंज होती है क्यूटिकल लेयर के जरिए से, इसके अलावा इसमें स्टेम के जरिए से भी गैसेस की एक्सचेंज होती है। वो जो बार्क सेल्स हैं उसके ऊपर कुछ खास किस्म के सेल्स लगे होते हैं, लेंटी सेल, जो स्टेम की ऊपर वाली छाल है आप कह लें, बार्क है, उसके ऊपर खास किस्म के सेल्स लगे हैं लेंटी सेल्स, उसके ज़रिए से भी ये गैसेस की एक्सचेंज होती है। रूट्स भी गैसेस की एक्सचेंज करती हैं इन गैसेस की, तो मेनली स्टोमेटा के ज़रिए से होनी। इसके बाद आप देखें वाटर है। वाटर जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, बाज़ दफ़ा फोटोसेंथिस के अंदर भी बन रहा होता है और रेस्पायरेशन के अंदर भी बन रहा होता है। तो ये जो वाटर है एक्स्ट्रा, ये पौधा कैसे बाहर निकालता है? ये बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के नतीजे में प्लांट ने वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकालना। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वो भी मेनली स्टोमेटा के जरिए से भी होता है, और इसी तरह से वो भी क्यूटिकल लेयर से भी होता है। अब ट्रांसपायरेशन हमें पता है ये सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं होती, क्योंकि स्टोमेटा रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं। तो रात के वक्त फिर वो एक्स्ट्रा पानी पौधा कैसे बाहर निकालेगा? उसके लिए स्पेशल प्रोसेस है गुटेशन। तो गुटेशन क्या है? रात के वक्त जो लीव्स हैं उसकी टिप्स से ड्रॉप्स की सूरत में वाटर बाहर निकलता है। हाइडाथोर्ट्स ग्लैंड, खास किस्म के ग्लैंड होते हैं लीव्स में जो कि इसे बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन। तो ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट की बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये तो सिंपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गई। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि पौधा मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनाता है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये रेजिन है, गम्स हैं, लेटेक्स है। लेटेक्स ये जो एक मिल्की सा फ्लूड होता है, और याद रखिएगा ये तीनों चीज़ें प्लांट की बॉडी से तब बाहर आती हैं जब प्लांट इंजर्ड होता है, आफ्टर
इंजरी, आफ्टर इंजरी ये चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। तो रीजन गम्स, वो जो सिंपली आपने अगर पंजाबी में सुना हो, गूंद कतीरा उसका शरबत भी बड़ा मशहूर है। कीकर का जो दरख्त है उसका हम साइंटिफिक नेम अगर देखें तो एकेशिया अरेबिका कीकर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर से भी कुछ ख़ास किस्म का फ्लूड निकलता है उसके स्टेम से, जिसे हम गूंद कहते हैं। और इसी तरह से ये डिफरेंट कोनिफर प्लांट्स हैं उनके अंदर से भी ये निकलता है। रीजन गम एंड लेटिक्स बेसिकली ये आफ्टर इंजरी प्लांट्स की बॉडी से निकलता है, और होता क्या है, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जो बॉडी से प्लांट ने बाहर निकालना है। तो वो बाद में हम उसको बहुत से इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, उसमें से हम मेडिसन्स भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उससे। तो बहरहाल हमने अभी नेक्स्ट ये देखना है कि वो कौन से मेथड हैं जो, या कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट यूज़ करता है अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकालने के लिए, या वेस्ट को एक अलहदा जगह पर स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड है या स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, वैक्यूलर मेथड है। तो सिंपल इससे हमें पता चलेगा कि प्लांट ने वेस्ट प्रोडक्ट को किस में स्टोर कर लेना है, वैक्यूल में। उसकी बॉडी में एक बड़ा सा, उसके प्लांट का अगर हम सेल देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा जो वैक्यूल होता है, एज कम्पेयर टू एनिमल हम देखें तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि सेंटर में क्या होता है, एक बड़ा वैक्यूल। तो वैक्यूल में इतनी ज़्यादा जगह घेरी होती है प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल क्या कहता है, इसे कहता है कि ठीक है आपने अगर जगह घेरी हुई है तो थोड़ा सा काम भी हमें दो। तो वो जो नेबरिंग जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्स्ट्रा साल्ट होंगे, वो सारे के सारे किस में स्टोर हो जाएंगे, इस वैक्यूल के अंदर, और वो फिर प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो वैक्यूलर पाथ में वैक्यूलर जो मेथड है इसमें क्या होगा, वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को स्टोर कर लेगा जो कि वेस्ट के तौर पर है। फिर ये जो साल्ट होते हैं ये कहता है कि बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर साल्ट की या किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, तो इन द एंड वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है वो अपना लेता है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे साल्ट इसके अंदर। जैसे आपने सुना होगा ये टोमेटो है, उसके अंदर ऑक्सालेट, कैल्शियम ऑक्सालेट, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो वो बाद में जब इंसान उसे यूज़ करते हैं तो उसको पथरी भी हो जाती है। तो वही क्रिस्टल एक्चुअली उसने वेस्ट के तौर पर स्टोर किए होते हैं। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो पौधे अपनी जो जान छुड़वाते हैं वो लीव्स के ज़रिए से भी, एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट मटेरियल से जान छुड़वाने के लिए उन्होंने पत्तों को भी यूज़ करना होता है। वो कैसे, क्योंकि हमें पता है पत्ते जो हैं वो खजां के मौसम में झड़ते ही झड़ते हैं, ऐसे ही है। इसका मतलब हुआ कि पत्तों की किस्मत में लिख दिया गया है कि इन्होंने पौधों से जुदा होना ही होना है। तो पत्तों ने जब जुदा होना है तो पौधे को पता है कि इसने निकलना ही निकलना है, तो सारा साल वो एक्स्ट्रा मटेरियल पत्तों में जमा करता रहता है। खिजां के मौसम में वही पत्ते झड़ जाते हैं, तो जब पत्ते झड़ते हैं उसके साथ भी वो सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये वेस्ट स्टोर करते रहते हैं लीव सारा साल कहते हैं, और उसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव्स इन ऑटम, खजां के मौसम में वो झड़ जाते हैं। और इसका मकसद क्या है, टू गेट रिड ऑफ अकूमुलेशन ऑफ वेस्ट, क्योंकि उन लीव्स में फिर वेस्ट अकूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और जब पत्ते झड़ते हैं उसके साथ ही पत्तों के वो भी निकल जाता है। अब उन पत्तों को हम ख़ास किस्म का नाम देते हैं एक्सक्रीटोफोर, जो पत्ते खजां के मौसम में झड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटो रिलेटेड टू वेस्ट, एक्सक्रीटा से निकला है, एक्सक्रीटा या वेस्ट प्रोडक्ट। फोर कहते हैं बेयरिंग बॉडी, बेयरिंग बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अपने साथ लेके जा रही है। आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ा होगा कोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, ऐसी स्ट्रक्चर जो कि स्पोरेंजिया रखती है, ऐसी स्ट्रक्चर जो कि कोनिडिया रखती है। ऐसे ही ये एक्सक्रीटोफोर भी है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखती है। इसका मतलब लीव्स वही वो स्ट्रक्चर थी, तो लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर का नाम दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं।
अब हमें ये एक कन्फ्यूजन होती है बाज़ दफ़ा कि हमने एक जगह ये भी पढ़ा होता है कि पत्तों का जो जर्द रंग है वो इसलिए होता है कि उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, तो क्लोरोफिल की कमी की वजह से वो क्लोरोसिस हो जाता है तो जर्द रंग। लेकिन यहाँ पर जो खजां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं उनका कलर इसलिए नहीं जर्द होता कि उनमें क्लोरोफिल कम हो गया, बल्कि इसलिए जर्द होता है कि वो सारा साल जो मटेरियल एक्स्ट्रा और पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स, वेस्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जमा करते रहते हैं, उनका कलर जो है इस लीव्स के ऊपर जड़ जाता है, तो उस वजह से वो जर्द भी हो जाते हैं, ऑरेंज कलर के भी पत्ते हो जाते हैं। तो इन पत्तों का जो झड़ना है ये बड़ा ही मुफीद है पौधे के लिए भी, क्योंकि पौधे ने जान छुड़वा ली उसे, और दूसरी तरफ वही पत्ते जो हैं वो ज़मीन पे जब पड़ते हैं तो वो बागवान उसे इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल होते हैं तो वो उसे फर्टिलिटी के लिए, ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए यूज़ करता है, ज़मीन के अंदर एज अ खाद आप कह लें यूज़ होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजिनस जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी को इनक्रीज़ करेंगे। तो वो दो फायदे हो गए, जान भी छुड़वा ली पौधों ने और दूसरी तरफ ज़मीन की फर्टिलिटी भी उससे इनक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हम देखें स्टेम। स्टेम जो है एक्चुअली जो वुडी ट्रीज होते हैं, वुडी ट्रीज में क्या होता है कि आपने देखा होगा अक्सर लकड़ी अगर कटी हुई हो तो उसके सेंटर में इस तरह से ये रिंग्स आपको नजर आते हैं, तो ये रिंग्स किस चीज के होते हैं, ये रिंग्स एक्चुअली जाइलम के होते हैं। और याद रखिएगा जितने सेंटर में ये रिंग्स होंगे अंदर की तरफ जो रिंग्स होते हैं वो ओल्ड जाइलम होते हैं और वो जाइलम डेड हो जाते हैं, और जो बाहर की तरफ होते हैं ये बैरूनी तरफ वो न्यू जाइलम होते हैं, न्यू बनते रहते हैं क्योंकि, और पुराने जो हैं वो सेंटर में आते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सेंटर में जो जाइलम है ये डेड, इनका काम कोई और नहीं होता वो, क्योंकि प्लांट को वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं कर रहे, तो फिर प्लांट इसे कहता है कि तुम फारिग तो बैठे ही हो, डेड तो हो गए हो, अब तुम क्या, तुम्हारे अंदर हमने क्या करना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को जमा करते रहना। तो वो सेंटर में वो जो हार्ड वुड एक बन जाती है, जो एक ब्लैक हार्ड सी लकड़ी जो हो जाती है उसको हम इबोनी का नाम देते हैं, इबोनी बाई कलर हम इसे कहते हैं, जो कोयले की तरह का कलर हो जाता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये डेड जाइलम है और इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट या जो भी पौधे के वेस्ट हैं वो सारे के सारे इसमें जमा होते रहते हैं, और उन वेस्ट की अकोमुलेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और उस स्ट्रक्चर को फिर हम इबोनी कहते हैं। ठीक हो गया, तो स्टेम जो है कहता है कि ये डिपॉजिट करती है वेस्ट इन जाइलम, लेकिन कौन से जाइलम, डेड जाइलम जो सेंटर में डेड हो जाते हैं, और डेड जाइलम जो है वो बाद में इतनी अकोमुलेशन उसमें वेस्ट की हो जाती है कि वो इबोनी बन जाती है। इबोनी क्या है, ब्लैक हार्डवुड इन सेंटर, जो सेंटर में काली सी हार्ड सी लकड़ी बन जाती है उसे हम इबोनी कहते हैं। अब जो चौथी चीज़ है, चौथा मेथड आ चौथी स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से प्लांट अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, वो है बल्ब फॉर्मेशन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका स्टेम, यंग स्टेम और लीव्स जो हैं उसके ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, और फोल्ड होके वो बल्ब की स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, इस तरह से एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे आपने प्याज अनियन देखा होगा, लहसुन देखा होगा, उसके भी बल्ब बनते हैं, इसी तरह से एक फ्लावर होता है ब्लू बेल, उसका कलर ब्लू होता है और बेल शेप उसके फ्लावर होते हैं, तो उसकी जो डंडी है उसके ऊपर फ्लावर जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बल्ब की सूरत में वो फोल्ड होते रहते हैं और एक अलग जगह पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। लास्ट में है रूट्स। जड़ें भी केमिकल जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करती हैं। जी बिल्कुल करती हैं। किस तरह से करती हैं, क्योंकि रूट्स बाज़ दफ़ा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उनकी रूट्स केमिकल सिक्रीट करती हैं, जड़ों में से कुछ खास किस्म के केमिकल निकलते हैं, और वही केमिकल कहता है कि एक्ट एज अ केमिकल वेपन। वो केमिकल वेपन के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पौधा है एक, उसकी जड़ें हैं, तो इन जड़ों में से कहता है कुछ खास किस्म का वो केमिकल मटेरियल सिक्रीट करेंगे।
अब ये केमिकल मटेरियल सेक्रीट किया उसने, तो एक तरफ से तो जड़ों के जरिए से वो वेस्ट बाहर निकल गया, ये केमिकल जो था वो क्या था, वेस्ट था। दूसरी तरफ ये एक कहता है केमिकल वेपन के तौर पर यूज हो रहे, मतलब असला। असला हम किस लिए यूज करते हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए। तो इस पौधे के भी कोई दुश्मन हो सकते हैं, इसकी जड़ों के दुश्मन हो सकते हैं जो इसको ख़त्म कर रहे हों, या इसके कंपिटिटर्स हों, इसकी जगह पर ग्रो कर रहे हों, वो पेस्ट हो सकते हैं, कोई और प्लांट हो सकता है। तो उन पेस्ट को और जड़ी बूटियों को जो इस पौधे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके खिलाफ ये केमिकल एक्ट करेंगे और उस पेस्ट को ख़त्म कर देंगे, उन जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देंगे। इस लिहाज से हम कहते हैं एक तरफ तो वो उसने केमिकल से क्रिएट किया और वेस्ट से जान छुड़वा ली, दूसरी तरफ वही केमिकल केमिकल वेपन के तौर पर यूज़ हो रहा है, वो जड़ी बूटियों के खिलाफ, दूसरे प्लांट्स के खिलाफ इनको यूज़ कर रहा है ताकि उनसे महफूज रहे और उनके साथ कंपीट कर सके न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए, बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ा है एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना। फिर हमने देखा कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं उसकी, और उसके बाद हमने ये डिफरेंट मेथड देखे जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से प्लांट अपने बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, वैक्यूल बना के उसमें स्टोर कर लेता है, लीव्स में खिजां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं वो लीव्स के ज़रिए से अपनी जान छुड़वाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, और इसी तरह से स्टेम के ज़रिए से, स्टेम के जो डेड जाइलम है वो ईबोनी बना देते हैं, ये एक वर्ड है, बल्ब फॉर्मेशन के ज़रिए से रूट्स जो हैं वो केमिकल सेक्रीट करती हैं और केमिकल वेपन के तौर पर यूज़ करती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज की जो डेफिनेशन है जो बड़ी दफ़ा आई है वो है एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, और वैसे तो ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कई बार एनुअल एग्जाम में आया है। तो इसके बाद हम एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।